अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ राहील अहमद और आप मुझे देख रहे हैं ऑनलाइन डॉट 99 पर। स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 4, ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर। हमने जो लेक्चर स्टार्ट किया हुआ दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तीन प्रॉपर्टीज हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। बल्कि ओवरऑल अगर आपको बताऊँ तो हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है दैट इज सोल्यूशन एंड कोलाइड्स। सोल्यूशन और कोलाइड्स वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया, उसमें जनरल टॉपिक हमने डिस्कस किए, सॉल्युबिलिटी पे एक डिटेल लेक्चर लिया गया, फिर उसके बाद राउल्ट्स लॉ को एक्सप्लेन किया। उसके बाद टॉपिक हो गया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उसको हमने स्टार्ट किया, उस पर हमने तीन लेक्चर्स लिए। फर्स्ट लेक्चर के अंदर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया, सेकेंड में एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को एक्सप्लेन किया गया, और थर्ड लेक्चर के अंदर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इन तीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया गया। अब है नंबर 4, ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और पहली बात जो आपने जहन में रखनी है कि ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को एक्सप्लेन करने के लिए फर्स्ट हम एक्सप्लेन करेंगे ऑस्मोसिस, कि ऑस्मोसिस क्या है। सिंपल अल्फाज में इसकी डेफिनेशन आपने जहन में रखनी है कि किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल का हायर कंसंट्रेशन वाले रीजन से लोअर कंसंट्रेशन वाले रीजन की तरफ मूव करना। एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अगर कोई दो सॉल्यूशन सेपरेट हो, उनमें से एक तरफ हायर कंसंट्रेशन हो दूसरी तरफ लो कंसंट्रेशन हो, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये होगा कि जो सब्सटेंस जिस तरफ हाई अमाउंट में होगा उस तरफ से वो लो अमाउंट की तरफ थ्रू मेम्ब्रेन खुद ही मूव कर जाएगा। तो इट्स मीन इट इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। इसको भी याद रखना है कि ऑस्मोसिस इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है, इसको याद रखना है कि इट इज स्पॉन्टेनियस। हमें इसको कोई वर्क डन, कोई एनर्जी, कोई प्रेशर या कोई मैकेनिकल वर्क इसके ऊपर करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये खुद ही हो जाता है। This means this osmosis is spontaneous. तो आप इसको डिफाइन कैसे करोगे, इसको आप यूं कहोगे कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, कि किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल की मूवमेंट, अब कैसे, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन, ठीक हो गया, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये बात आपने याद रखनी है, तो ये इसकी डेफिनेशन बन जाएगी कि किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल का हायर कंसंट्रेशन वाले रीजन से लोअर कंसंट्रेशन वाले रीजन की तरफ मूव कर जाना थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और हमें इसके लिए खुद से वर्क डन या प्रेशर या एनर्जी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, तो इट्स मीन दिस ऑस्मोसिस इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और यहाँ पर याद रखिएगा कि इसको फॉर द फर्स्ट टाइम जिस साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था दैट वॉज एबे निलट, और इसने इसको ऑब्जर्व किया 1784 में, ठीक हो गया। तो इस बात को भी आपने जहन में रखना है। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि याद रखना है कि यहाँ पर जो मेम्ब्रेन यूज होती है दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक हो गया। अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आपको पता है कि एक ऐसी मेम्ब्रेन जो कुछ तरह के मॉलिक्यूल्स को तो अलाउ करे कि उसमें से पास हो जाए और कुछ मॉलिक्यूल को रोक दे, ठीक हो गया। तो ये डिफरेंट तरह से डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल के लिए यूज होती है। याद रखें कि इफ यू हैव लो मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट्स, ऐसे
सॉल्यूट हो जिनका मॉलिक्यूलर वेट लो हो, ठीक हो गया, उनके लिए याद रखना है कि ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज होगी ये कॉपर फेरोसायनाइड वाली यूज होगी, कॉपर फेरोसायनाइड इसकी मेम्ब्रेन हम यूज करेंगे हैज अ सेमी परमिएबल, कि जब सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट हो वो कौन सा हो, लो मॉलिक्यूलर वेट वाला, ठीक है। और दूसरी तरफ फॉर हायर मॉलिक्यूलर वेट, कि जहां पे हायर मॉलिक्यूलर वेट वाले सॉल्यूट होंगे वहां पे जो मेम्ब्रेन यूज होगी या वो सेलुलोज सेलुलोज की यूज होती है या फिर सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोज या सेलुलोज नाइट्रेट ये मेम्ब्रेन यूज होंगी। यहां तक ये बात आपके माइंड में आ जानी चाहिए। अब हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे कि ये बेसिकली है क्या। देखें, फर्स्ट टाइम या ये जो एबे निलर्ट है इसने इसको किस तरह से ऑब्जर्व किया, फॉर एग्जांपल देखें हमारे पास एक इस तरह की थिसल फनल है, ठीक है, इसको यहां से इस पे हम फिट कर दें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक हो गया। और इसमें क्या करें, इसके अंदर शुगर सॉल्यूशन फिल करके इसको वाटर में हम क्या करें उल्टा करके रख दें। देखें इसको आप क्यों समझे कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें क्या पड़ा है, सिंपल वाटर पड़ा है, वाटर पड़ा है, ठीक है। उसमें हम इस फनल में शुगर सॉल्यूशन, जो वाटर में शुगर का सॉल्यूशन बनाया गया उसको रख दें, ठीक है। देखें यू, ठीक है, इसी को इसके बीच में क्या है, शुगर सॉल्यूशन, ठीक है, और इसको हमने कहां पर रख दिया, वाटर में। अब देखिए यहां पर आपने याद रखनी है, बात को समझना है आपने, कि अगर आप इस कंटेनर को देखो तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या मौजूद है, वाटर मौजूद है, समझ आ रही ना बात। और इसमें क्या है, वाटर प्लस शुगर, इसका मतलब है यहां के मुकाबले में यहां पर वाटर कम है, ठीक है। और याद रखना कि ये जो मेम्ब्रेन होती है दैट इज एग जेली वो होती है, ठीक है। अब ये ध्यान में रखना है कि जैसे ही आप इसको इस वाटर वाले कंटेनर में रखोगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये होगा कि यहां पर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। अब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम कैसे होगी, क्यों, कि इस कंटेनर में वाटर की अमाउंट ज्यादा है, यहां से ऑटोमेटिकली वाटर मॉलिक्यूल इस सॉल्यूशन में मूव कर जाएंगे। तो यही बात तो हमने कही थी कि किसी मॉलिक्यूल का ऐसे रीजन से जहां पर वो हायर अमाउंट में हो उससे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए उस तरफ मूव कर जाना जहां पर उसकी अमाउंट कम हो। तो वाटर इसमें कम है यहां पर ज्यादा है, तो लिहाजा यहां से वाटर किधर मूव करेगा, शुगर सॉल्यूशन में। जैसे ही आप उसमें रखोगे शुगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो दैट मूवमेंट इज बेसिकली नोन एज ऑस्मोसिस, ठीक हो गया। इसको आप यूं भी कह सकते हो, देखिए इसको हम कोर वे में भी आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कंटेनर इस तरह से है, लार्ज कंटेनर है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि इसके बीच में यहां पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा देते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी, ठीक है। इसका ये जो कंपार्टमेंट, इसको आप कह दो ए, इस कंपार्टमेंट को हम क्या कहेंगे, बी, क्लियर। अब देखें क्या हो,
हम लेट सपोज कहते हैं कि इस तरफ बी वाले पोर्शन में हमने कोई सोल्यूशन ले लिया, उसको हमने यहां पर फिल कर दिया इस तरफ, और इस तरफ हमने क्या किया, प्योर सॉल्वेंट मूव रख दिया हमने, इस तरफ प्योर सॉल्वेंट और इस तरफ उसी सॉल्वेंट का सोल्यूशन है। तो जैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ थ्रू सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन सेपरेट होंगे, तो सोल्यूशन में ये जो सॉल्वेंट है इधर से इधर मूव करना शुरू कर जाएगा। ये सॉल्वेंट अपनी हायर अमाउंट से इस तरफ लोअर अमाउंट, क्योंकि वहां पर सोल्यूशन के साथ सॉल्यूट भी है, तो याद रखना है कि सोल्यूशन वाले रीजन में सॉल्वेंट कम है और प्योर सॉल्वेंट वाले रीजन में सॉल्वेंट की अमाउंट ज्यादा, कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो लिहाजा इस सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन के जरिए सॉल्वेंट इधर से इधर मूव करेगा, ए कंपार्टमेंट से बी कंपार्टमेंट की तरफ मूव करेगा, और इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहेंगे। ठीक हो गया। तो अमूमन ये एक ऑस्मोसिस है, और इसके रिवर्स अगर काम हो उसको हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, अक्सर बुक्स में एक एंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस लिखा जाता है, लेकिन उसमें एक है ऑस्मोसिस जिसको हमने यहां पर एक्सप्लेन किया, और अगर ऑस्मोसिस के रिवर्स काम हो, यानी कि ऑस्मोसिस में हमने ये कहा है कि हायर कंसंट्रेशन से, हायर कंसंट्रेशन वाले रीजन से लोअर कंसंट्रेशन वाले रीजन की तरफ मॉलिक्यूल मूव करते हैं, अगर ऐसा लोअर रीजन से लोअर कंसंट्रेशन वाले रीजन से मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन वाले रीजन की तरफ मूव करें तो वो कहलाएगा रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस इसको ध्यान में रखना है कि ऑस्मोसिस का उलट, ऑस्मोसिस का रिवर्स, ये क्या होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस, और इसको हम कहेंगे एक्सोस्मोसिस। ठीक हो गया। तो ये यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर की। अब आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। पहले सिंपल अल्फाज में इसकी डेफिनेशन को ध्यान में रखें। ऑस्मोटिक प्रेशर हम ये कहेंगे कि एक ऐसा मैकेनिकल प्रेशर या एक ऐसा प्रेशर जो ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए रिक्वायर्ड हो। ठीक है, देखिए प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए जो प्रेशर चाहिए होगा उस प्रेशर को हम क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए कैसे, फॉर एग्जांपल यहां पर देखो हम उसी तरह से अगेन वही बात करते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है। ठीक है, अब उसमें हम इस कंटेनर को बीच से डिवाइड कर देते हैं दो पोर्शन में। ठीक है, यहां पर लगा देते हैं एक सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को तो अलाउ करेगी लेकिन सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को अलाउ नहीं करेगी। आपके जहन में क्वेश्चन हुआ होगा ना कि सॉल्यूट के मॉलिक्यूल भी तो मूव कर सकते हैं, लेकिन अमूमन याद रखना है मैंने स्टार्ट में आपको मेम्ब्रेन्स बताई थी। ठीक है, तो ये जो मेम्ब्रेन्स हम यहां पर ऐड करते हैं वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को अलाउ करती है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को अलाउ नहीं करती। अब देखें हम ये कहते हैं कि ये एक कंपार्टमेंट बन गया। ठीक है, यहां ये ए पोर्शन और इस पर पिस्टन हम पी एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, और इस तरफ ये बी कंपार्टमेंट, ये ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि ये जो बी कंपार्टमेंट है इसमें हमने रख दिया होता है सॉल्यूशन और इस तरफ रखा होता है प्योर सॉल्वेंट। हमने एक सॉल्यूशन को प्योर सॉल्वेंट से सेपरेट किए, बीच में क्या लगा दी, सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन।
और अभी हमने ये बात की है कि जब एक प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूशन से थ्रू सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन सेपरेट हो तो वो सॉल्वेंट अपने हायर कंसंट्रेशन वाले रीजन से सॉल्यूशन वाली रीजन की तरफ मूव करेगा और उसको हमने कहा था ऑस्मोसिस। अब हम ये चाहते हैं कि अगर ये प्रोसेस ना हो, सॉल्वेंट इधर से इधर ना मूव कर सके, सॉल्वेंट यहां से यहां ना मूव करे, तो हम क्या करेंगे, इस तरफ हमें एक प्रेशर लगाना पड़ेगा। सॉल्यूशन वाले कंपार्टमेंट पे हमें एक प्रेशर लगाना पड़ेगा, उस प्रेशर की वजह से ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इधर ना मूव कर सकेंगे। जब ये मॉलिक्यूल इधर ना मूव करेंगे तो हमने क्या कहा था, ऑस्मोसिस को हम स्टॉप करेंगे। तो मैकेनिकल प्रेशर आर प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी कि जब भी एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन सेपरेट हो, और अगर हम ये करना चाहें कि सॉल्वेंट का सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट को स्टॉप करना चाहें, ऑस्मोसिस को स्टॉप करना चाहें, तो हम सॉल्यूशन वाली साइड पर यानी कि लोअर कंसंट्रेशन वाले रीजन वाली साइड पर हम प्रेशर लगाएंगे, और उस प्रेशर की वजह से ये होगा कि जो सॉल्वेंट है वो सॉल्यूशन की तरफ नहीं मूव कर पाएगा, और दैट प्रेशर इज बेसिकली नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, और याद रखना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ना के नेचर ऑफ सॉल्यूट। तो इट्स मीन इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, के जो ऑस्मोटिक प्रेशर है दैट इज बेसिकली अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये बात हमने यहाँ पे करनी थी। लास्ट में हम इस पे एक थोड़ी सी बात करते हैं, एडवांटेजेस आर एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोटिक आर ऑस्मोसिस प्रेशर, और सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर आर ऑस्मोसिस। सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इसकी ये है कि हम इसको यूज करते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर प्योरिफिकेशन में यूज होता है। ठीक हो गया। इसी तरह इसी की वजह से जो सेल वगैरह में टर्जिडिटी आती है, टर्जिडिटी ऑफ सेल, प्लांट सेल में जो टर्जिडिटी या सख्तपन जो आ जाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, और इसकी वजह से ये जो टर्जिड सेल है दैट इज स्पोर्ट इन प्लांट्स, प्लांट्स में वो स्पोर्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। इसी तरह से सेल्स में प्लाज्मोलाइसिस यानी के श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म को स्टॉप करने के लिए ये यूज होता है। ठीक है, और इसी तरह से नंबर फोर हीमोलाइसिस को प्रिवेंट करने के लिए यूज होता है। तो ये जाने की इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, लेकिन स्टिल अगर इस टॉपिक में कहीं पे कोई कॉन्सेप्ट या कोई बात आपको कंफ्यूज कर रही है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, ताकि हम उस बात को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्लियर करें। तो इट्स आई थिंक इनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।